जो बंद हैं ये सियासी केसेस के तफेल हैं और खान की गिरफ्तारी इतनी तवालत इख्तियार न करती। अगर हमारी अदालतें जो हैं वो केसेस के ट्रायल इस तरह न करते, पूरी प्लानिंग से खान के ट्रायल्स हुए, एक केस में जिसमें रिहाई होती है तो दूसरा केस पक के तैयार हो जाता है, इधर से रिहाई होती है दूसरे में सज़ा आ जाती है। चाहिए तो ये था कि जितने केसेस थे ट्रायल सब की इकट्ठे होती और जो भी होना था ताकि हम यकमुश जाते और उन फैसलों को चैलेंज करते। अभी चार केसेस में खान साहब को सज़ायाबी हुई है और जिस सूरत के साथ और बोर्ने अंदाज में ट्रायल करके जज साहबान ने ये टारगेट करवा के दिया, उसका फ़ायदा में अपील में ये हुआ कि जो बुनियादी निज़ाम इंसाफ की ज़रूरियात हैं वो इन ट्रायल में पूरी नहीं हुई, यानी कि दिफा का हक जो है जरा का वो लिया गया, अपनी मर्ज़ी के वकील का हक लिया गया, हमारे वकला को निकाल के जज साहबान ने अपने मर्ज़ी के वकला जो हैं वो उन्होंने मुकर्रर किए और ना हमें डिफेंस एविडेंस का मौका दिया गया। अपीलें ज़ेरे समात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और साइफर केस में उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मंगल तक जो हैं एक अच्छी खबर जो है अवाम पाकिस्तान को सुनने की। इसी तरह दीगर केसेस जो हैं वो भी इंशाल्लाह ईद से कबल हमें यकीन है, लेकिन साथ में पाकिस्तानियों को आगाह कर दूं कि अभी उन्होंने अलकादिर ट्रस्ट केस जो है बड़ी तेज़ी से चलाना शुरू कर दिया है और मुहर्रिक पीछे यही नज़र आ रहा है कि अगर इन केसेस में खान की रिहाई हो तो अलकादिर ट्रस्ट में सज़ाया भी हो जाए ताकि ईद से पहले खान की रिहाई मुमकिन ना हो। हमने खान साहब की बेल लगाई है और उम्मीद है कि अलकादिर ट्रस्ट केस में खान साहब की जो है बेल हो जाएगी। अभी जरा मुझे काइंडली अभी हम जब भी आए हैं और खान साहब से भी गुफ्तगू सुनीद में कि ये ईद के बाद दोबारा दूसरे मरहले में देखेंगे कोई रिप्लेसमेंट्स होगी, कई एक वजारती वज़ीर आला साहब के पास हैं तो इंशाल्लाह जो हैं आपको नज़र आएगा कि इब्तबाद की आवाज़ को सुना जाएगा। दूसरी बात आपने कही कि सेनेट के इलेक्शंस हैं, मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम सबको पंजाब में केपी में बिलखसूस सेनेट के इलेक्शन पे फोकस करने की ज़रूरत है। ये हमें रियलाइज़ होना चाहिए बहुत सारे पैसे वाले आज़ाद हैसियतों में खड़े हैं और माजी में भी मैंडेट की चोरी इस तरह हुई है वोट ख़रीदने से। आपको इलम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहली भी 20 मेंबरान असम्बली ये भुगत चुके हैं, तो मैं ये इंसिस्ट करूंगा कि सेनेट के इलेक्शन को जो लोग लुक आफ्टर कर रहे हैं वो ये ज़रूर देख लें। उस दिन कल समराबा से साफ़ी हैं उनके शो में मुझसे सवाल किया गया कि जी पंजाब के जो अपोजिशन लीडर है और उनका बयान मुझे फिर उन्होंने भेजा भी, उन्होंने कहा कि 20 अफराद जो हैं उनसे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तैयारियां हो रही हैं, जिस पर मैंने कहा कि कुछ हमसे पहले भी उन्होंने तोड़े थे PMLN ने जो पहले नारा लगाती थी कि वोट को इज्जत दो, लेकिन आज मेरी पंजाब की क़यादत से बात हुई और उन्होंने कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MPs मुतहद हैं और वो जो पहले जो र्यूमर या चेमेगुइयाँ थी उनका शायद अजाला हो गया है, तो अल्लाह करे कि पंजाब में और KP में जो हमारे टारगेट्स हैं कम से कम 2 सेनेटर पंजाब में और 5 जनरल में, 2 खवातीन में, 2 टेक्नोक्रेट्स में, 9 सीटें जो हैं हमें KP से मिलनी चाहिए इंशाल्लाह। जी कोई गुजारिशात या बातें मीडिया के तवज्जो से इब्तबाद के लोगों से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले पूरे इब्तबाद का शुक्रिया। इब्तबाद ने क्लीन स्वीप दिया, खान पे एतमाद और खान के साथ मोहब्बत
ایسی جتائی کہ پہلے کبھی ہزارہ میں بالخصوص ابتباد میں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ایسی کامیابی نصیب نہیں ہوئی تھی. تو شکریہ ابتباد, تھینک یو ابتباد. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ابھی جو پاکستان تحریک انصاف کی کے پی میں حکومت بنی ہے تو اس میں ابتباد کے, کیونکہ ابھی میں نے ابتباد دیکھا ہے اور مجھے کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوا کہ ابتباد جو ہیں اور کافی کام جو ہیں وہ ہونے ہیں. اور یقین ہے یہ تیسری دفعہ ہیں خیبر پختونخوا کے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف پہ اعتماد کیا, تو لہٰذا ہم پہ استحقاق بنتا ہے خیبر پختونخوا کے عوام کا کہ اس دفعہ ان کی ایسی خدمت کی جائے بے لوس کہ آنے والے 20 سالوں تک بھی پی ٹی آئی کے اس دور کی مثالیں دی جا سکے. کانگریشنل کمیٹی میں انہوں نے کہا جی کہ امریکہ کا یہ ریجیم چینج میں کوئی کردار نہیں ہے اور یہ کانسپیریسی نہیں تھی. یہ سائفر جو مندرجات ہیں وہ دو فکروں میں ہیں کہ خان کی حکومت کو چلتا کر دے ورنہ نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ سائفر کے کنٹینٹس تھے جو پاکستان کے اس وقت کے سفیر نے ڈونلڈو کو کوٹ کرتے ہوئے امریکی پیغام دیا. اب کیا پاکستانی یہ توقع رکھیں کہ امریکی حکومت کا ایک اہلکار کمیٹی کے سامنے جا کے یہ کہے گا کہ امریکی حکومت دنیا کے مختلف حصوں میں حکومتیں جو ہیں وہ اس طرح تبدیل کرواتے ہیں یا اقتدار سے لوگوں کو محروم کرتے ہیں؟ قطعاً یہ ممکن ہی نہیں تھا. اس نے جھوٹ ہی بولنا تھا بائی ڈیفالٹ. اور ہمیشہ سے یہ امریکہ کو تو چھوڑے, پاکستان میں بھی اگر کسی سرکاری یہ ریٹرننگ آفیسرس کو بلائیں جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے, یہ عدالت میں کڑے ہو کہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں جتنے ریٹرننگ آفیسر آئے سب نے جھوٹ بولا کہ جی فارم 47 جو ہیں وہ جینون نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ہر حکومت کے جو اہلکار ہوتے ہیں وہ اپنی حکومتی اقدامات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اس کے لیے انہیں اگر جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو یہ بلا دریغ بولتے ہیں. جی کرتا ہوں ابتباد کے لوگوں سے کہ میں مشتاق غنی صاحب کا اور ابتباد کا ایک سفیر کے طور پہ منگل کو خان صاحب سے بات کروں گا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے ابتباد کے ساتھ, اور انشاءاللہ ابتباد کو اپنا حق دلا کے رہیں گے ریکوری کے لیے. اور میں اس کے خاندان کو یقین دلاتا ہوں چونکہ آپ نے جس طرح بتایا کہ اس کی انکوائری میں وہ کلیئر ہو چکا ہے, انشاءاللہ جلدی اپنے